मौन ओशो धर्म की यात्रा डिस्कोर्स नंबर 4। ये प्रश्न उठता है कि आपसे पूछूं, आपको जीवन का अनुभव हुआ है। ये प्रश्न उठता है आपसे पूछूं, आपको जीवन में आनंद का अनुभव हुआ है। ये प्रश्न उठता है आपसे पूछूं, आपको अमृत का आलोक का किसी प्रकार की दिव्य और अलौकिक शांति का कोई अनुभव हुआ है। ऐसे बहुत से प्रश्न उठते हैं, लेकिन मैं उनके पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उनका उत्तर करीब करीब मुझे ज्ञात है। कोई आनंद मुझे नहीं दिखाई पड़ता, कोई आलोक, कोई शांति, कोई प्रकाश, कोई जीवन में दिव्यता का बोध नहीं, कोई कृतज्ञता, कोई कृतार्थता, कोई सार्थकता नहीं मालूम होती है। इसलिए डर लगता है किसी से पूछना अशोभन ना हो जाए। लेकिन हर आदमी जो मुझे मिलता है, उससे पहली बात यही पूछ लेने का मन होता है, उसे ये बातें मिली हैं या नहीं मिली हैं। और अगर ये बातें नहीं मिली हैं, तो उसका जीवन करीब करीब व्यर्थ चला गया है। अगर ये अनुभूतियां उसे नहीं हुई हैं, तो वो स्मरण रखे उसने जीवन के एक बहुमूल्य अवसर को अपने हाथों खो दिया है। जिस जीवन में प्रभु का परम साक्षात संभव हो सकता था, जिस जीवन में सौंदर्य की, सत्य की और शिवत्व की अनुभूति हो सकती थी, उस जीवन को उसने कौड़ियां, कंकड़, पत्थर इकट्ठा करने में व्यतीत कर दिया। जिसे हम उपलब्धि कहते हैं, जिसे हम जीवन की सफलता समझते हैं, वो सब मुझे विफलता दिखाई पड़ती है। और जिसे हम संपत्ति समझते हैं, उसे मैं विपत्ति से ज्यादा नहीं देख पाता हूं। क्योंकि अगर वो संपत्ति होती तो जिन्हें उपलब्ध है, वे लोग शांति को उपलब्ध हो गए होते। क्योंकि जिसे हम सफलता कहते हैं, अगर वो विफलता ना होती तो जिन्हें मिलती उनकी आंखें प्रकाश से भर गई होती, उनके जीवन से आलोक झरने लगता है, उनके जीवन से प्रेम बरसने लगता है, उनका जीवन सामान्य मनुष्य का जीवन नहीं रह जाता, वे मनुष्य का अतिक्रमण कर जाते हैं। और जब तक कोई व्यक्ति अपने भीतर के मनुष्य का अतिक्रमण ना कर सके, उसे पार ना कर सके, तब तक वो व्यर्थ ही जीता है। तब तक उसकी श्वासों का आना जाना व्यर्थ है। और तब तक उसकी सारी चेष्टाएं, सारा श्रम एक ऐसे निष्फल प्रयास में लगा है जिसके अंत में उसके हाथ खाली रह जाएंगे। मुझे स्मरण आता है, एक गांव में एक फकीर आके ठहरा हुआ था। किसी व्यक्ति ने आके सुबह सुबह उस फकीर को कहा, मेरे पास अतुल संपत्ति है और संपत्ति का मैं कोई सदुपयोग करना चाहता हूं। आप आए हैं इस गांव में, आपकी बातें सुनकर आपके निकट आके मुझे लगा कि ये मनुष्य मार्गदर्शन दे सकेगा, तो मैं अपनी सारी संपत्ति आपके चरणों में रखता हूं और जो भी आज्ञा दे मैं उसका उपयोग करूं। उस फकीर ने नीचे से ऊपर तक उस मनुष्य को देखा और वो फकीर हंसने लगा और उसने कहा, मैं तो तुम्हारे पास कोई भी संपत्ति नहीं देख पाता हूं। वो आदमी बोला, मैं संपत्ति अपने साथ नहीं लिए हूं, वो मेरे पास है, बहुत मेरे पास संपत्ति है, और जो आप कहेंगे मैं करूंगा,
उस फकीर ने कहा, मेरे पास ऐसे सैकड़ों दरिद्र आते हैं जिनको ये भ्रम होता है कि उनके पास संपत्ति है, और मेरे पास ऐसे सैकड़ों संपत्तिशाली भी आते हैं जिन्हें दुनिया दरिद्र समझती है, और मैंने बड़ी उल्टी गंगाओं को बहते देखा जिनके पास कुछ नहीं उनके पास सब देखा, और जिनके पास सब है उनके पास कुछ भी नहीं देखा, फिर भी तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं। मैंने स्वीकार किया कि तुम्हारे पास संपत्ति है और तुम कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, तो एक छोटा सा मेरा काम कर दो तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी, तुम्हारे पास संपत्ति का होना भी सिद्ध हो जाएगा, और एक काम की तलाश में मैं पूरे जीवन से भटक रहा हूं वो काम भी पूरा हो जाएगा। बोलो करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, आज्ञा दें, मेरी सारी संपत्ति मेरी सारी शक्ति लगा दूंगा। उस फकीर ने अपने कपड़े के भीतर से कपड़ा सीने की एक सुई निकाली और कहा, इसे रख लो, मरने के बाद मुझे वापस लौटा देना। इस सुई को लिए मैं घूम रहा हूं वर्षों से कि कोई मिल जाए मुझे जिसकी शक्ति और जिसकी संपत्ति इस सुई को मृत्यु के पार पहुंचा दे। तुम मिल गए, जिसकी तलाश थी वो आज भी मिल गया, आज रात्रि में निश्चिंत सो जाऊंगा। आज भी बहुत हैरान हुआ, उसने बहुत सोचा, लेकिन एकदम इनकार करना संभव नहीं था, खुद ही ये विपत्ति मोल ले ली थी, खुद ही ये आमंत्रण दिया था, इसलिए घर गया। सोचा इनकार करने के पहले मित्रों को पूछ लूं, समझदारों को पूछ लूं, गांव के विचारशील लोगों को पूछ लूं, कोई रास्ता हो सके और ये सुई मृत्यु के पार जा सके तो इसे जरूर ले जाऊं। इनकार करने के पहले सब उपाय कर लेने उचित हैं। उसने गांव भर के समझदार वृद्धों से पूछा, वे हंसने लगे, उन्होंने कहा, सारे जगत की सारी शक्ति और सारी संपत्ति भी इकट्ठी हो जाए तो एक सुई को भी मृत्यु के पार ले जाना संभव नहीं है। और वृद्धों ने कहा, इस काम को छोटा मत समझना, इससे बड़ा कोई काम आज तक जमीन पर न रहा है न कभी होगा। और वो फकीर बहुत अजीब आदमी है, इस काम को उसने छोटा कहा, और वो पागल है अगर इस काम की तलाश में घूम रहा है कि कोई आदमी सुई को मृत्यु के पार ले जाएगा। उस फकीर को भी असफलता ही मिलेगी, ये हो नहीं सकता। तुम जाके सुई वापिस कर दो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, अगर मर जाओ तो उस फकीर की उधारी ऊपर रह जाएगी। तो रात ही भागा हुआ गया, उसने कहा, ये सुई क्षमा करें, वापस ले लें, मुझे दिख गया मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, इस सुई को मृत्यु के पार ले जाने में मैं समर्थ नहीं हूं। उस फकीर ने कहा, जिस आदमी के पास सारे जीवन के श्रम और संघर्ष के बाद इतनी भी उपलब्धि ना हुई हो कि वो सुई को मृत्यु के पार ले जा सके, उस आदमी ने जीवन व्यर्थ खो दिया, क्योंकि संपदा केवल वही है जिसे मृत्यु नष्ट ना कर पाए, जिसे मृत्यु नष्ट कर दे उस संपदा का कोई मूल्य नहीं है। जो संपदा मृत्यु छीन ले उसे संपत्ति कहना ना समझी है, वो साथ मित्र अड़चन में परेशानी में पहचाने जाते हैं, संपत्ति विपत्ति में पहचानी जाती है, मृत्यु से बड़ी कोई विपत्ति नहीं। उस वक्त जो संपत्ति काम नहीं आती उसको संपत्ति ना समझ कहते होंगे। पर कोई संपदा है जो मृत्यु के पार भी चली जाती है, कोई उपलब्धियां हैं जिन्हें मृत्यु की लपटें जला नहीं पाती और मृत्यु भी जिन्हें नहीं छीन पाती है, उस तरह की संपत्ति को उपलब्ध करने का विज्ञान धर्म है। उस तरह की संपत्ति को जो मृत्यु से अपराजित हो, जो मृत्यु से सुरक्षित हो, वैसी संपदा पाई जा सकती है। सच तो यह है कि वैसी संपदा प्रत्येक को उपलब्ध है, हमें उसका स्मरण नहीं। धर्म पुनर्स्मरण है, धर्म स्वयं के भीतर छिपी हुई किसी निधि का पुनर्स्मरण है। मैंने सुना है एक फकीर, एक भिखमंगा जीवन भर एक रास्ते के किनारे बैठकर भीख मांगता रहा और जीवन भर यह सोचता रहा कि बहुत संपत्ति इकट्ठी कर लूं, लेकिन भीख मांगने में कहीं संपत्तियां इकट्ठी हुई हैं? वहां में जब मरा तो उसके पास कफन के लिए, उसे कब्र तक पहुंचाने के लिए भी पैसे नहीं थे।
पास पड़ोस के लोगों ने, जिन्होंने जीवन भर उसे भीख दी थी, उन्होंने ही अंतिम भीख दी और उसकी मृत्यु की यात्रा पूरी हुई। जब वो भिखारी मर गया तो जहां उसने झोपड़ा बांध रखा था उसे तोड़ दिया गया और साफ किया गया, और वो भूमि साफ की गई तो लोग हैरान हुए। जिस जमीन पर बैठकर वो जीवन भर भीख मांगता रहा, वहीं नीचे अतुलनीय खजाना गड़ा हुआ था। जीवन भर वो सोचता था संपत्ति को पाने के लिए, और जिस जगह पर बैठ के वो जीवन भर भीख मांगता रहा, उसी जगह पर, उसी जमीन पर बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ था। ये एक भिखमंगे की कहानी नहीं है, दुनिया में जितने लोग पैदा होते हैं सभी की कहानी है। हम जीवन भर भीख मांगते हैं और कोशिश करते हैं कहीं कुछ मिल जाए और हम इकट्ठा कर लें, और करीब करीब हमारे ही नीचे वो सारी संपदा छिपी होती है, दबी होती है, जिसका हमें कोई बोध नहीं होता। ऐसी संपत्ति को कैसे पाया जा सकता है, ऐसी संपत्ति के प्रति कैसे सजग हुआ जा सकता है, ऐसी संपदा जो कि है उसे कैसे पुनरुद्घाटित किया जा सकता है, धर्म उसका विज्ञान है। और उस विज्ञान की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम समाधि है। आज के सुबह समाधि योग पर ही कुछ थोड़ी सी बातें कहने का मेरा विचार है। मनुष्य के जीवन में दो ही दिशाएं हैं, वस्तुतः जगत में दो ही दिशाएं हैं। एक दिशा है जो बाहर की तरफ फैलती है और एक दिशा है जो भीतर की तरफ चलती है। दिशाएं तो दो हैं लेकिन रास्ता एक ही है, क्योंकि हर रास्ता दो दिशाओं में फैला हुआ होता है। उसका जो विस्तार होता है हर रास्ते का, वो दो दिशाओं में होता है। रास्ता एक दिशा में नहीं हो सकता, जैसे कि एक सिक्का एक ही पहलू का नहीं हो सकता। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर रास्ते की दो दिशाएं होती हैं। जीवन का जो रास्ता है उसकी दो दिशाएं हैं, एक जो बाहर की तरफ जाती है मनुष्य से, और एक जो मनुष्य के भीतर की तरफ जाती है। मनुष्य एक दोराहे की भांति है, मनुष्य एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां से उसके भीतर से दो रास्ते जाते हैं, एक बाहर की तरफ एक भीतर की तरफ। क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं, इसलिए जैसे ही हमें बोध पकड़ता है हम बाहर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। स्वाभाविक, हमारी आंखें बाहर देखती हैं, हाथ बाहर छूते हैं, कान बाहर सुनते हैं, मन बाहर के विचार करता है। इसलिए जैसे ही हमें बोध आता है, हमारी इंद्रियों के द्वार बाहर खुलने के कारण हमारी इंद्रियां हमारी चेतना को बाहर के मार्ग पर अग्रसर कर देती है। ये बाहर का मार्ग अनंत है, इस पर कोई कितना ही चले कभी कहीं पहुंच नहीं पाता। इस पर कोई कितना ही चलता जाए इसका कभी अंत नहीं आता कि वो कह सके कि हम अंतिम जगह आ गए। और जिस जगह अंत ना आता हो उस जगह विफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि अंत के बिना सफलता कैसे हो सकती है, अंत के बिना उपलब्धि कैसे हो सकती है। अंत को पाए बिना, गंतव्य पर पहुंचे बिना चलना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए बाहर के रास्ते पर जो लोग चलते हैं वे चलते तो बहुत हैं लेकिन पहुंचते नहीं हैं, वे दौड़ते तो बहुत हैं लेकिन कहीं आ नहीं पाते, वे श्रम तो बहुत करते हैं लेकिन कोई फल उपलब्ध नहीं होता। उनके श्रम का अंत नहीं है, वे अपनी सारी शक्तियां और संकल्पों को विस्तारित करते हैं लेकिन आखिर में पाते हैं करीब करीब जहां थे वहीं खड़े हैं, कोई पहुंचना नहीं हुआ। और न पहुंचने का कारण ये नहीं है कि उनके श्रम की कमी है, कि उनके संकल्प की कमी है, कि उनकी अभीप्सा छीन पड़ रही है, कि छोटी पड़ रही है। अभीप्सा बहुत है, एक धन के लिए जो व्यक्ति अभीप्सा करता है, धन के लिए जो प्यास अपने में पैदा करता है, यश के लिए जो कामना पैदा करता है, पदों के लिए जो दौड़ उत्पन्न करता है, और इन सारी खोजों के लिए जितने संकल्प और जितनी शक्ति और श्रम को लगाता है वो कम नहीं है। हर मनुष्य अपने जीवन में बहुत श्रम, बहुत संकल्प,
बहुत प्राणों को समर्पित करता है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता। इस न पहुंचने में उसके श्रम की कमी नहीं, संकल्प की कमी नहीं, प्यास की कमी नहीं, दिशा की भूल है, पहुंच ही नहीं सकता है। इसमें उसका कसूर नहीं, जिस दिशा में वो चला वहीं चलने की भूल है। बच्चों की एक छोटी सी किताब है, मैं उसे पढ़ता था, उसमें एक छोटी कहानी आती है। किताब तो बच्चों की है, कहानी बूढ़ों के लिए भी अर्थपूर्ण है। तो छोटी सी कहानी आती है, एक छोटी सी लड़की है, वो परियों के देश में पहुंच गई। उसने परियों के देश में पहुंच के इस लोक से परियों के लोक तक जाने में वो बहुत थक गई। उसे भूख भी लगाई, प्यास भी लगाई। छोटी लड़की और जमीन से लेकर परियों के लोक तक की यात्रा। परियों के लोक में पहुंचते उसने देखा कि वहां तो बड़ी शीतलता है, सूर्य तो तप रहा है लेकिन कोई उत्ताप पैदा नहीं होता। उसने देखा हवाएं तो नहीं चल रही है लेकिन ऐसा लगता है जैसे बड़ी शांति और बड़ी शीतलता है। वो बड़ी प्रसन्न हुई, एकदम प्रसन्न हो गई, सारी थकान उसकी मिट गई, लेकिन भूख थी। उसने आंखें दौड़ाई, उसने देखा पास ही थोड़ी ही दूर पर, कुछ ही कदमों के फासले पर, परियों की रानी अपने हाथ में बहुत सी मिठाइयां लिए खड़ी और उसे अपनी तरफ बुला रही है। वो लड़की भागी, रानी उसे बुलाती है, उसे भूख लगी है। वो लड़की ने भागना शुरू की, अभी सुबह था, सूरज निकला ही था। वो भागती गई भागती गई भागती गई, दोपहर आ गया, वो घबरा गई। थोड़े से कदमों का फासला था, वो पूरा नहीं होता। वो रानी उतनी ही दूर दिखाई पड़ती थी जितनी दूर पहले दिखाई दी थी, और अब भी वो बुला रही थी। सूरज ऊपर आ गया, सिर पर तपने लगा, उसने चिल्ला के पूछा कि ये क्या मामला है, सुबह से दोपहर हो गई, मुझे दौड़ते हुए मैं कहीं पहुंच नहीं पा रही। रानी ने कहा और थोड़ा श्रम करो, और थोड़ा तेजी से दौड़ो, जो दौड़ते हैं आखिर पहुंच ही जाते हैं, दौड़ो। वो लड़की फिर भागना शुरू हुई, वो दौड़ती गई, फिर सूरज भी ढल गया और सांझ का अंधेरा उतरने लगा, वो थक के गिर पड़ी। रानी उतनी ही दूर थी और अब भी उसका बुलावा आ रहा था, उसने चिल्ला के कहा आ जाओ। वो लड़की बोली ये कैसी दुनिया है तुम्हारी, ये कैसा परियों का देश है, ये कैसी मुश्किल है, मुसीबत है कि मैं सुबह से दौड़ रही हूं, सांझ हो गई लेकिन पहुंच नहीं पाती और फासला बहुत कम है। वो रानी हंसने लगी और उसने कहा हमारी दुनिया में ही ऐसा नहीं होता, तुम्हारी दुनिया में भी ऐसा ही होता है। परियों के देश में ही ऐसा नहीं होता, मनुष्यों के देश में भी ऐसा ही होता है। लोग दौड़ते हैं, सुबह दौड़ना शुरू करते हैं, जीवन की संध्या आ जाती है और वो पाते हैं जो उन्होंने पाना चाहा था, वो अब भी दूर खड़ा है और बुला रहा है। फासला उतना ही है, फासले में कोई भेद नहीं पड़ता है। इसमें मनुष्य की भूल उसके श्रम और संकल्प की भूल नहीं है, इसमें भूल मात्र उसके दिशा के, बाहर की दिशा कहीं पहुंचा नहीं सकती क्योंकि बाहर की दिशा का कोई अंतिम बिंदु नहीं आता है। अंतस्थ की दिशा कहीं पहुंचाती है क्योंकि अंतस्थ की दिशा मुझ पे आके समाप्त हो जाती है। बाहर जाने वाली दिशा कहीं भी जाकर समाप्त नहीं होती, भीतर जाने वाली दिशा मुझ पे आके समाप्त हो जाती है। मैं बिंदु हूं जहां वो दिशा पूरी हो जाती है। अगर मैं भीतर की तरफ चलूं तो मैं अपने पर पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं बाहर की तरफ चलूं तो मैं कहीं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। और बड़े रहस्य की बात यह है कि जो अपने पर पहुंच जाते हैं, बड़े रहस्य की बात यह है कि वो उस छोटे से अणु को जान लेते हैं जो उनके भीतर है, उस चैतन्य के बिंदु को अनुभव कर लेते हैं जो वो है, वे सब जगह पहुंच जाते हैं। क्योंकि उस चैतन्य का अनुभव, उस एक अणु का अनुभव उन्हें विराट ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देता है। बाहर दौड़ के कहीं भी नहीं पहुंच पाता, कोई उस सर्वांत की रेखा को नहीं छू पाता है, वो भीतर पहुंचकर स्वयं पर पहुंच जाता है, स्वयं तक पहुंचकर समग्र सत्य के प्राणों को अनुभव कर लेता है। जो बाहर जाते हैं वे बाहर को तो खो ही देते हैं, भीतर को भी खो देते हैं। जो भीतर आते हैं वे भीतर को तो उपलब्ध हो ही जाते हैं, साथ साथ बाहर को उपलब्ध हो जाते हैं। स्वयं पर पहुंचकर मनुष्य आत्मा का अनुभव करता है, आत्मा का अनुभव उसे समस्त जगत में उसी आत्मा की परिव्याप्ति के बोध को देता है। वो परिव्याप्ति का बोध परमात्मा का बोध है। स्वयं पर आकर आत्मा का अनुभव है,
आत्मा का अनुभव उसे परमात्मा बोध में प्रतिष्ठित कर देता है। स्वयं को पाके सबको पा लिया जाता है, स्वयं को खोकर सब खो दिया जाता है। जो सबको पाने चलते हैं वे स्वयं को तो पहले ही खो देते हैं और सब कभी उपलब्ध नहीं होता, और जो सब की फिक्र छोड़ के स्वयं को पाने चलते हैं वे पहले स्वयं को तो पा ही लेते हैं और स्वयं के भीतर से सबको पाने का सूत्र आधार बिंदु आधार भूमि उनकी पकड़ में आ जाती है। इसलिए ये दिखाई पड़ता है कि जिनके पास कुछ नहीं उनके पास सब कुछ मालूम होता है, और इसलिए यह अनुभव होता है कि जिनके पास सब है उनके पास कुछ भी मालूम नहीं होता। महावीर के पास, बुद्ध के पास, क्राइस्ट के पास क्या था? उपलब्धि की भाषाओं में सोचे तो उनके पास कुछ भी नहीं है। उन जैसे दरिद्र लोग इस जमीन पर कभी नहीं हुए, लेकिन अगर अंतस की भाषा में देखें तो उनके पास सब है। उनकी आंखें गवाही हैं, उनका जीवन गवाही है, उनका आचरण गवाही है, उनका उठना बैठना सोना जागना गवाही है कि उनके पास सब कुछ था। सब कुछ होने की गवाही यह है कि ऐसे मनुष्य को कुछ भी पाने की चाह नहीं रह जाती। कुछ भी पाने की चाह का न रह जाना इस बात की सूचना है उसे सब उपलब्ध हो चुका है। हमने दरिद्रों को सम्राट की तरह देखा है और सम्राटों को दरिद्रों की भांति देखा है। इस दुनिया में अगर सम्राट होने को आप चुनते हैं आप दरिद्र मरेंगे, और अगर आप दरिद्र होने को चुनते हैं सम्राट होना सुनिश्चित है। ये जो दरिद्र होने का चुनाव मैं कह रहा हूं उसका अर्थ हुआ भीतर की तरफ आना, अंतस की तरफ आना। सम्राट होने का अर्थ बाहर की तरफ जाना, वहां विजय की पताकाएं गाड़नी बाहर के जगत में और स्वयं के जगत में। ये दो ही दिशाएं हैं। समाधि योग या ध्यान या धर्म स्वयं के भीतर जाने का विज्ञान है। कैसे हम स्वयं के भीतर प्रवेश कर सकते हैं? मैंने कहा मनुष्य बीच में खड़ा है, बाहर एक दिशा और भीतर एक दिशा है। अगर भीतर चलना है तो बाहर की दिशा से अपनी खूंटियों को अलग कर लेना होगा। जब कोई नाविक किसी समुद्र में यात्रा को निकलता है तो इसके पहले कि वो पतवार चलाए जरूरी है कि वो नाव की जंजीरों को खोल ले जो कि तट से बंधी है। जो मनुष्य भीतर की तरफ जाना चाहता है उसे बाहर के जगत से अपनी जंजीरों को खोल लेना पड़ेगा, और अगर वो जंजीरें खोलना भूल जाए तो भीतर कितनी ही दौड़ धूप करे भीतर भी कहीं नहीं पहुंच सकेगा। बाहर इसलिए कहीं नहीं पहुंच सकता कि बाहर का कोई अंत नहीं है। भीतर जो लोग चेष्टा करते हैं वे अगर असफल होते हो तो उन्हें जानना चाहिए कि असफलता का कारण यह होगा कि उन्होंने बाहर से जंजीरें नहीं खोली। बाहर से हम किन जंजीरों से बंधे, कौन सी जंजीरें हमें बांधे हैं, इसकी मैं चर्चा करूं। उसके पहले एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे मेरी बात समझ आ सके। एक रात कुछ मित्रों ने देर तक शराब पी और फिर उन्होंने सोचा कि हम नाव पर जाएं और झील पर यात्रा करें। वे गए, उन्होंने नाव पर बैठे, उन्होंने पतवारें उठाई, उन्होंने पतवारें चलाई। काफी रात तक वे बहुत देर तक पूरे चांद की रात थी वे नाव चलाते रहे, और फिर जब सुबह की ठंडी हवाएं आने लगी तो उन्हें ख्याल आया कि अब तो सुबह होने को है, अब हम वापस लौट चले। तो उनमें से एक ने कहा कि मैं जरा नीचे तट पे उतर कर देखूं कि हम कितनी दूर निकल आए हैं, रात भर यात्रा की है फिर हम वापस लौटे। उसने नीचे उतर के कहा और उसने चिल्ला के कहा मित्रों भूल हो गई, हम कहीं वापिस लौटने का सवाल ही नहीं है, हम वहीं खड़े हुए हैं। हम नाव की खूंटियों से जंजीर छोड़ना रात भूल गए, हमने पतवार तो चलाई, हमने श्रम तो किया लेकिन हम कहीं पहुंचे नहीं क्योंकि नाव तो बंधी हुई है। जो व्यक्ति भीतर के जगत में प्रवेश करना चाहे अगर वो न समझ पाए कि किन खूंटियों से उसकी मन की जंजीरें बाहर से बंधी है तो उसकी सब चेष्टा व्यर्थ हो जाएगी, उसकी प्रार्थनाएं निष्फल हो जाएंगी, उसकी पूजाएं मिट्टी में मिल जाएंगी, उसकी साधना सिवाय विफलता के और कुछ भी नहीं लाएगी। और तब एक और भी बड़ा फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है
तब एक और भी बड़ी घबराहट और बेचैनी पैदा होती है। बाहर सफलता मिलती नहीं और भीतर भी सफलता ना मिले तो आदमी इतना घबरा जाता है, इतना बेचैन हो जाता है, इतनी परेशानी में पड़ जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इस दुनिया में वे लोग जो बाहर असफल होते हैं उनका संताप, उनका एंग्विश इतना नहीं होता जितना जो लोग भीतर की दुनिया में भी असफल हो जाते हैं उनकी पीड़ा को आप अनुभव नहीं कर सकते। न मालूम देश के कोने कोने में कितने साधुओं ने मुझसे एकांत में ये कहा है कि हम बहुत बेचैन हैं, बहुत घबराए हुए हैं, बाहर की दुनिया हमने छोड़ दी, भीतर की दुनिया में कुछ मिलता नहीं मालूम होता। हम बहुत लटके हुए रह गए हैं, हम बहुत त्रसंग की स्थिति में हो गए हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमने कोई गलती तो नहीं कर ली है, कहीं ये तो नहीं हो गया कि हमने भूल कर ली वो बाहर की दुनिया ही ठीक रही हो, क्योंकि भीतर कुछ उपलब्ध नहीं होता। बाहर ये सोच के कि कुछ उपलब्ध होगा नहीं छोड़ दिया, भीतर वर्षों से मेहनत करते हैं कुछ उपलब्ध नहीं होता। उन सब से मैंने ये कहा कि थोड़ा अपने नाव के नीचे उतर के किनारे पर देख लें कहीं जंजीरें बंधी होंगी, इसलिए पहुंचना भीतर नहीं हो पा रहा है। कौन सी जंजीरें हैं संक्षिप्त में उनकी थोड़ी सी बात करूंगा, उससे ही समाधि योग को समझने में सहायता मिलेगी और भीतर के प्रवेश की संभावना का द्वार खुलेगा। पहली बात, हम बाहर के जगत से किस बात से जुड़े हैं? एक क्षण को कल्पना करें, अगर मनुष्य के पास कोई भाषा ना हो और वाणी ना हो तो सब मनुष्य एक दूसरे से टूट जाएंगे। अगर मनुष्य के पास कोई भाषा ना हो और वाणी ना हो तो सब मनुष्य एक दूसरे से टूट जाएंगे, बाहर के जगत से उनका कोई संबंध नहीं रह जाएगा। मुखरता जगत से जोड़े हुए है, मौन जगत से तोड़ता है। जिस व्यक्ति को भीतर प्रवेश करना हो उसे मुखरता की जगह, वाणी की जगह मौन को साधना होगा, उसे शब्द की जगह निशब्द को साधना होगा, उसे बोलने की जगह न बोलने की दिशा में गति करनी होगी। क्योंकि हम जोड़ते हैं भाषा से, बोलने से, वाणी से, बाहर से कौन जोड़े हुए है? शब्द जोड़े हुए हैं, वाणी जोड़े हुए है, भाषा जोड़े हुए है। तो जो व्यक्ति निरंतर निरंतर वाणी से घिरा हुआ है वो व्यक्ति क्रमशः ये भूल जाएगा कि मौन होने की भी एक कला है, चुप हो जाने का भी एक रहस्य है। जो लोग चुप हो जाते हैं वे उन सत्यों को पा लेते हैं, जिन सत्यों को बोलकर ना बताया जा सकता किसी को, न किसी के बोलने से कभी समझा जा सकता है। पहली खूंटी जो बाहर के जगत से हमें जोड़े हुए हैं वो वाणी की है, इसलिए समाधि योग का प्रथम चरण है मौन। बाहर के जगत के प्रति मौन को साधना होगा। थोड़ा हम ये समझ लें कि बाहर के जगत से हम इतने ज्यादा बातचीत में क्यों होना चाहते हैं। क्या आपने कभी ख्याल किया है कि जब कोई आदमी पागल हो जाता है तो वो 24 घंटे बातचीत करने लगता है? क्या कभी ये ख्याल किया है कि कोई मौजूद ना भी हो तब भी वो बातचीत किया जाएगा? आप तो जब कोई मौजूद होता है तब बात करते हैं, पागल तब भी बात करता है जब कोई मौजूद नहीं होता। लेकिन आप अपने में और उसमें बहुत ज्यादा फर्क मत समझना। वो जो आदमी मौजूद है जिसकी मौजूदगी में आप बात करते हो वो तो केवल बहाना है, आपको बात करनी ही है। वो जो आदमी मौजूद है जिससे आप बात कर रहे हैं वो तो केवल बहाना है, आपको तो बात करनी ही है। वो ना होगा तो दूसरा काम देगा, तो वो नहीं होगा तो तीसरा काम देगा, कोई ना कोई मिलेगा, कोई ना कोई को आप पकड़ेंगे और बात शुरू करेंगे। उस बात करने में जिससे आप बात कर रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं है सिवाय इसके कि जैसे खूंटी पे कोई कपड़ा टांग देता है, वैसे हर आदमी एक दूसरे पे अपनी वाणी टांग रहा है, अपना विचार टांग रहा है। उसकी जो आकांक्षा है वो उस दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो उसके भीतर चल रहे हैं वेग विचारों के, वो उनको किसी तरह खाली करना चाहता है, उन्हें फेंक देना चाहता है। मैंने सुना है पश्चिम के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक जुंग के पागलखाने में दो पागल दाखिल हुए, वे दोनों विचारशील थे, दोनों पंडित थे, दोनों ने किताबें लिखी थी, फिर वे पागल हो गए थे
और अक्सर पंडित पागल हो जाते हैं। असल में पांडित्य जो है पागलपन का ही एक प्रारंभिक रूप है।